हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो दिवसीय दौरे पर 25 दिसंबर को अपने गृह जनपद आएंगे सीएम योगी, करेंगे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा। जिले के संचालित विकास कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के दिए निर्देश। पेडलेगंज से फल मंडी तक चला अतिक्रमण अभियान, हटाए गए अस्थायी निर्माण, वसूला गया जुर्माना। डग्गा मार वाहनों तथा बिना परमिट के चल रही टेम्पो ट्रेवलर के खिलाफ ट्रैफिक विभाग ने चलाया अभियान, चालान हुए कई वाहन। बैंक ऑफ बड़ौदा महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख ने किया गोरखपुर क्षेत्र में उनकी शाखाओं के व्यवसाय की समीक्षा बैठक। जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में संपन्न हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा और गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक, 30 जनवरी तक प्री बोर्ड की परीक्षा संपन्न कराने के दिए निर्देश। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर एनएसएस कार्यालय पर आयोजित हुई कविता पाठ एवं भाषण प्रतियोगिता, एनएसएस के स्वयंसेवकों ने दी अपनी प्रस्तुति। अति पिछड़ा सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट को तत्काल कैबिनेट से स्वीकृत कराकर लागू करने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने शुरू किया प्रदेश व्यापी कार्मिक अनशन। ललित कला महोत्सव का सकुशल हुआ समापन, प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को नगर विधायक ने पुरस्कार देकर किया सम्मानित। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 95वें जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व पर की गई चर्चा। क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर बच्चों ने सेंटा क्लास बनकर दिया स्वच्छता का संदेश और केएस टैलेंट को 8 विकेटों से रौंदकर उज्जवल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची पूर्वोत्तर रेलवे क्रिकेट टीम।